आई एम साक्षी, वेलकम टू आर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे तो आजकल बॉलीवुड सितारों के करियर को दोबारा पटरी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ला रहा है। बॉलीवुड के कई कलाकारों को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने चमका दिया है। यही वजह है कि बॉलीवुड के सभी कलाकार अलग अलग अंदाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड की खूबसूरत अप्सरा माधुरी दीक्षित भी शामिल होने जा रही है। दरअसल हाल ही में माधुरी दीक्षित की पहली वेब सीरीज को लेकर मीडिया में खबरें सामने आई हैं। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के लिए अपना पहला डेब्यू माधुरी दीक्षित करने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि माधुरी दीक्षित को इनकी पहली वेब सीरीज के लिए काफ़ी मोटी रकम मिल रही है। यहां तक ये भी कहा जाता है कि जितनी फीस माधुरी दीक्षित को इस वेब सीरीज़ के लिए दिए जा रहे हैं उतना तो कभी इन्हें किसी फिल्म के लिए नहीं मिली। आपको बता दें कि शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद माधुरी दीक्षित दोबारा आज अनचले फिल्म में कमबैक की हैं। सूत्रों के अनुसार करण जौहर की डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी माधुरी दीक्षित को लेकर एक वेब सीरीज लेकर आ रही है। सीरीज का निर्देशन भी जॉय नाम्ब्यार और करिश्मा कोहली करने वाले हैं। सीरीज की शूटिंग कोरोना वायरस के कारण रुकी हुई है। ऐसे में आप लोग माधुरी दीक्षित को वेब सीरीज में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।